कराची में पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं, सिंध में गवर्नर राज का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहते हैं पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह को खुद तब्दील करे। वजीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं सिंध में भी तब्दीली आईनी तरीके से आएगी। आसिफ जरदारी का सियासी करियर इख्तिताम के करीब है। सिंध के फंड्स अब सूबे के लोगों पर ही खर्च होंगे। आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर को किसी की ख्वाहिश पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैब का एक विफाकी वजीर के मीडिया पर बयानात का मतन तलब करने का फैसला। नैब तर्जुमान का कहना है नैब हर किस्म के दबाव को अक्सर मुस्तरद करता है। तहकीकात सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक सरंजाम दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुसद्दिका फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फवाद चौधरी, शहरयार आफरीदी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और अहसन इकबाल समेत 332 अराकीन पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न कराने वाले अराकीन को काम से रोकने की हिदायत कर दी। और कराची में रेंजर्स की लियारी यूथ चैंपियनशिप का आगाज 14 जनवरी से होगा। इवेंट में लियारी की 8 टीमें हिस्सा लेंगी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के तावुन से बॉक्सिंग मुकाबलों का इनेकाद भी होगा। लियारी समेत सिंध बलोचिस्तान के 20 मर्द और खवातीन बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम द रिपोर्टर। देखते रहिए ARY न्यूज।